मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं अपने जिला अध्यक्ष सोनभद्र मिर्जापुर भदोही एवं समस्त प्रत्याशियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। समस्त विधानसभा के प्रत्याशी एवं मंच पर उपस्थित लोगों से निवेदन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। अब मैं मिर्जापुर के यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय बालेंद्र मणि त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने विचारों से स्वागत करें। माननीय बालेंद्र मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महामंत्री जी। माँ जाह्नवी के तट पर स्थित बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और प्रयाग के बीच माँ विंध्यवासिनी की शक्तिपीठ पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवर्तन संकल्प रैली में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मिर्जापुर के धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। महोदय, जब से लोगों को पता चला है कि मिर्जापुर की धरती पर आपका आगमन होने जा रहा है, मिर्जापुर के लोग बेसब्री से पलक पावड़े बिछाकर आपके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। महोदय, आज मिर्जापुर की गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको पा करके आनंद से प्रफुल्लित है। आज मिर्जापुर का पत्ता पत्ता, मिर्जापुर का बच्चा बच्चा मोदी मोदी के नाम से नारे लेकर के गूंज रहा है। आज मिर्जापुर जनपद की सभी पांचों सीटें आपके नाम से ही हम जीत रहे हैं। आपके आने के बाद मिर्जापुर सोनभद्र भदोही की सभी सीटें आपके चरणों में मिर्जापुर के लोग, मिर्जापुर के कमसनी के लोग समर्पित करना चाहते हैं। अतः मिर्जापुर की धरती से, मिर्जापुर के तरफ से, मिर्जापुर भदोही सोनभद्र के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आपको पुनः नमन बंदन, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मिर्जापुर की सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवें और अपने विचारों से आप सबको अवगत करावें। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। पूरे विश्व को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए अखंड राष्ट्र के निर्माता, भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अपना दल के संस्थापक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मिर्जापुर की पवित्र पावन धरती पर, पूरे विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले और हर भारतीय के हृदय पर राज करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ।
मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भदोही जनपद के सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, सोनभद्र के सांसद आदरणीय श्री छोटेलाल खरवार जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बालेंदु त्रिपाठी जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष रमाकांत पटेल जी और सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशीगण और सभी पदाधिकारी बंधुओं और कार्यकर्ताओं और दूर दराज से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आए हुए सभी मेरे सम्मानित मतदाता साथियों और जनता, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, सबकी आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको अपने बीच पाकर हम मिर्ज़ापुर के वासी कितने आह्लादित, कितने आनंदित और कितने कृतज्ञ हैं, इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आपके आगमन से आज उत्तर प्रदेश में डेढ़ दशक के कुशासन, भ्रष्टाचार, पिछड़ेपन, आतंक और गुंडा राज को खत्म करने के हमारे संकल्प को ताकत मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सही मायनों में हमारी प्रेरणा हैं। काले धन के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, पिछड़ेपन के खिलाफ और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के खिलाफ आपने जिस साहस के साथ राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है और राष्ट्रहित में कड़े से कड़े फैसले लिए हैं, उससे हम सब का आत्मविश्वास बढ़ा है। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा अद्भुत राज्य जो देश की राजनीति की दिशा तय करता आया है, 2017 के इस विधानसभा चुनाव में विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के लिए हम परिवर्तन लाने का काम करेंगे और परिवर्तन के इस महायज्ञ में सबसे बड़ी आहुति हम मिर्ज़ापुर के वासी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को कमल और कप प्लेट का बटन दबाकर हम भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 11 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा संकल्प है और मिर्ज़ापुर उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन की सरकार बने जिससे हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो तमाम वादे हैं, लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण की माफी का, नौजवानों के लिए 70 लाख नौकरियों के सृजन का, हमारी माँ बेटियों के सम्मान की, अस्मिता की सुरक्षा के लिए हर जिले में 3 पुलिस थाने और 3 नई महिला पुलिस बटालियन का और 1000 महिला पुलिस कर्मियों के विशेष जांच विभाग का, एंटी रोमियो स्क्वाड का, पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाने का, 25 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का, 10 विश्वविद्यालय बनाने का और हमारे बेटे और बेटियों को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा करने का जो हमारा संकल्प है, उसको हमारी सरकार आए और पूरा करे। मैं पुनः, आज समय की कमी है इसलिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का माँ विंध्यवासिनी की धरती पर अभिनंदन करते हुए, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करते हुए पुनः बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि वे अपना अमूल्य समय निकालकर आज हम सबको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सबका पुनः अभिनंदन। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद। अब मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आवे और अपने विचारों से हम सबको अवगत करावे। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी, मोदी। ब
विंध्याचल माई की जय, विंध्याचल माई की जय। माई के सेवकों को प्रधान सेवक का प्रणाम। का हाल चाल बा? सब ठीक बा? इना तसपा बसपा बहुत दिन से बा, तब रोड बा कि नहीं बा? इना से बालू गिट्टी तो बहुत गा कुछ औबहु भवा कि नहीं? मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद की मेरी साथी और अपना दल के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, संसद में मेरे साथी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमान छोटेलाल खरवार जी, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष श्रीमान बालेंदुमणि त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, सोनभद्र जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक मिश्र जी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह, श्रीमान हैसिला प्रसाद पाठक जी, श्रीमान गंगा सागर दुबे जी, डॉक्टर सरजीत सिंह डांग, श्रीमान राम सकल जी, श्रीमान जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, श्रीमान रामचंद्र मिश्र जी, श्रीमान मोहितोष नारायण जी, श्रीमती राजकुमारी खत्री जी, श्रीमान हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, श्रीमान रमाकांत जी पटेल, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रॉबर्ट्सगंज से श्रीमान भूपेश चौबे जी, भूपेश जी यहां पधारी है मेरे पास, मिर्जापुर से श्रीमान रत्नाकर जी, मजवा से सुचिस्मिता मौर्य जी, ओरिया से दीनानाथ भास्कर जी, गोरावल से अनिल मौर्य जी, भदोही से श्रीमान रविंद्र तिवारी जी, चुनार से श्रीमान अनुराग सिंह, ओबरा से श्रीमान संजीव कुमार गौड़ जी, ज्ञानपुर से श्रीमान महेंद्र बिंद जी, मड़िहान से श्रीमान रमाशंकर पटेल जी, और हमारा साथी दल अपना दल के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार श्रीमान राहुल प्रकाश कौल जी, दुधवी से श्रीमान हरिराम चेरो जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मिर्जापुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की।
भाइयों बहनों, आपने तो कमाल ही कर दिया है आज। उत्तर प्रदेश में जहां भी जाता हूं, एक से बढ़कर एक रैलियां हो रही है भाई। आज आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है अपने खुद के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मतदान में भी आप अपने रिकॉर्ड तोड़ के रहोगे, ये मुझे साफ लग रहा है। भाइयों बहनों, अब सवाल ये रहा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अखबार देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, चुनाव सभाएं देख लीजिए, हर छोटे मोटे नागरिक का इंटरव्यू देख लीजिए, हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव, और यह उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इतना बड़ा राज्य है, अगर वह एक अलग देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का पांचवा देश कहा जाता, इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाए, अगर उत्तर प्रदेश से गरीबी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बीमारी मिट जाए, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी कोने में गरीबी के लिए कुछ भी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाए, इतनी ताकत रखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, कौन दल जीते कौन दल न जीते, सरकार इसकी बने या उसकी बने, इस मुद्दे पर चुनाव नहीं रहा है। आज तो चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा। आज चुनाव इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। ये चुनाव इस बात पे है कि गरीबों को गरीबी से मुक्त कराने का ईमानदार प्रयास कौन करेगा, इसका फैसला करना। भाइयों बहनों, वादे बहुत हुए, जात पात के भेद बहुत हुए, अपने परायों के खेल बहुत हुए। अगर हमें उत्तर प्रदेश को बदलना है तो हम उत्तर प्रदेश एक है, हम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इसी मंत्र को लेकर के सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, जरा मिर्जापुर के लोगों से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ लूं?
आप सही बताओगे ना, जो सही है वो बताना, गलत मत बताना, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मत बताना, बताओगे? जब यहां उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी, उसके पहले सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 13 साल पहले, कितने भैया 13 साल पहले श्रीमान मुलायम सिंह जी ने बरेली और मिर्जापुर के बीच गंगा जी पर भटौली पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी क्या? आधारशिला मुलायम सिंह जी ने रखी थी? 13 साल हो गया, पुल तो बहुत अच्छा बना होगा, नहीं बना होगा। अरे मुख्यमंत्री जी कह रहे काम बोल रहा है तो कुछ तो होगा, नहीं हुआ। अब ये काम बोल रहा है कि कारनामा बोल रहा है? काम बोल रहा है कि कारनामा बोल रहा है? भाइयों बहनों, मुलायम सिंह जी ने एक और ब्रिज का भी शिलान्यास किया था, चुनाव पुल का। हो गया क्या? आपने हमारे देश में गरीब से गरीब इंसान हो, गरीब से गरीब, लेकिन अगर पिताजी ने कोई वादा किया हो, कोई काम किया हो, तो बेटा कर्ज करके भी पिता का काम पूरा करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? बेटा बाप के किए हुए कामों को कभी अधूरा छोड़ता है क्या? भाइयों बहनों, ऐसे कैसे लोग हैं जो बातें काम की करती हो लेकिन अपने पिता के इरादों को भी पूरा न करते हो, वो जनता जनार्दन का भला क्या करेंगे? भाइयों बहनों, आजकल भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता, ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर। भाइयों बहनों, और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीता, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है आजकल। अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का, और अगर मुख्यमंत्री जी को हम काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा
कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं। भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है। भाइयों बहनों, जब खाट लो करके ले गए 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है उसमें बिजली नहीं होती है। ये 14 सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब 11 मार्च को मिलने वाला है, आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था, हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते, एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बारी जाने की तय है, गांव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? जी भाइयों बहनों,
ये बहन जी मिर्जापुर के पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी, ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए, पिछले दरवाजे से ले गए, अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए ले गए, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो क्या बताया कि ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं, ये बताया गया? आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है कि आप इतनी बताने की हिम्मत नहीं थी कि पत्थर मिर्जापुर का है, इस पत्थर के लिए हमें गर्व है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है, ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं, महंगा पत्थर लाए हैं, दूर से लाए हैं। भाइयों बहनों, जिनको मिर्जापुर के पत्थरों से नफरत हो, ऐसे लोग मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो क्या? और मैं हैरान हूं, 13 साल हो गए, अरे पत्थरों को जड़ जड़ करके पुल बनाया होता तो शायद इन गांव वालों ने बढ़िया पुल बना करके 2 साल में खड़ा कर दिया होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ताजमहल बना रहे थे कि पुल बना रहे थे, 13 साल हो गए। भाइयों बहनों, सरकारी धन का व्यय जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति की परवाह नहीं। आप मुझे बताइए, यही पुल सैफई के आसपास बनाना होता तो क्या होता? 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? सैफई में कुछ करना होता तो 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? बहन जी को मूर्तियां बनानी होती तो 13 महीना भी इंतजार करना पड़ता क्या? ये आप लोग हैं जिसके कारण 13 साल तक आपकी सूंघ नहीं ली जाती, ऐसे लोग गुनहगार हैं आपके। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आप उत्तर प्रदेश खारकस के पूर्वांचल के भाइयों बहनों को मैं आग्रह करने आया हूं, इन्हें इस चुनाव में चुन चुन करके साफ कर दीजिए। एक भी बचना नहीं चाहिए, यहां से लखनऊ एक भी जाना नहीं चाहिए, ताकि भाइयों बहनों उनको पता चले कि उस पूर्वांचल का अपमान करने का बदला क्या होता है, मिर्जापुर को परेशान करने का परिणाम क्या होता है, मिर्जापुर के सपनों को रौंद देने का परिणाम क्या होता है, ये इनको पता चलना चाहिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे कहने आया। आप बताइए मेरे भाइयों बहनों, यहां के पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पूरी ताकत से बताइए, पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? पीतल के उद्योग को किसने तबाह किया? अगर पीतल का उद्योग 125 करोड़ का देश है, पूरे हिंदुस्तान में मार्केट है, अगर पीतल का उद्योग यहां तेज गति से चलता, बिजली की जरूरत पड़े बिजली मिलती, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो ट्रांसपोर्टेशन मिलता, अच्छे रास्तों की जरूरत होती अच्छे रास्ते मिल जाते, तो भाइयों बहनों यहां के नौजवान को गुजरात और महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। यहां के नौजवानों को बेरोजगारी की मार नहीं झेलनी पड़ती, अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके गांव खेत खलिहान यार दोस्त छोड़ करके मुंबई की गलियों में जिंदगी गुजारने के लिए उनको मजबूर नहीं होना पड़ता। भाई
और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां का होनहार नौजवान हो, होनहार उत्तम से उत्तम मार्क्स लाता हो, स्कूल में कॉलेज में अव्वल नंबर रहता हो, ऐसे होनहार नौजवान को भी उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? नौजवान को नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? है क्या? कारण क्या है भाइयों? होनहार नौजवान भी रह जाता, उसका कारण क्या है? उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसका कारण है भाई भतीजावाद, उसका कारण है भर्ती में भी जातिवाद का जहर घोल दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि होनहार नौजवान भी नौकरी नहीं पाता है। भाइयों बहनों, न्यायालय ने, इलाहाबाद कोर्ट ने इनकी इन हरकतों को रोका, उनको डांटा, बार बार डांटा, लेकिन ये ऐसे नशे में हूल है भ्रष्टाचार की, गलत कामों की। सरकार को ऐसी आदत लग गई है कि वे, भाइयों बहनों, अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए भैया। तो मैं बोलना शुरू करूं आगे? ये बीच वालों को मैं कह रहा हूं, शुरू करो। देखिए भाई, आगे कैसे आओगे, मैदान छोटा पड़ जाता है, क्या करें हम जी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को हर चीज का रेट लगा है। अगर थाने में शिकायत दर्ज करनी है तो इतना देना पड़ेगा, शिकायत दर्ज नहीं होने देनी है इतना देना पड़ेगा, नौकरी चाहिए इतना देना पड़ेगा, सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ लेना है इतना देना पड़ेगा, राशन कार्ड निकालना है इतना देना पड़ेगा। रेट चलता है कि नहीं भाइयों? हर चीज का रेट चलता है कि नहीं चलता है? सारा काम पैसों से करने का रिवाज बन गया कि नहीं बन गया है? भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुस गया है कि नहीं घुस गया है? उसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब आदमी मरता है कि नहीं मरता है? मरता है कि नहीं मरता है? उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का जब मैं सुनता हूं तो मुझे कवि अशोक चक्रधर की कविता में उन्होंने भ्रष्टाचार के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है, बड़ा मजेदार किया है। उन्होंने कहा है कि चार प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। चार प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। नजराना यानी काम कराने के पहले मुहूर्त का देना, मुहूर्त का, अच्छा ये रख लो काम देख लेंगे, मुहूर्त का। शुक्राना, काम होने के बाद बहुत अच्छा किया धन्यवाद ले लो। हकराना, क्या समझते हो ये कुर्सी पे कौन बैठा है मालूम है? फाइल भी आगे नहीं बैठेगी,
हक है हमारा दे दो, ये हकराना वाले हैं। और चौथा है, काम भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, दे निकाल पैसे, जबराना। भाइयों बहनों, ये चार प्रकार के भ्रष्टाचार थे। उत्तर प्रदेश में लेने वालों को आदत लग गई है, देने वालों की मजबूर है कि वो अगर देते नहीं है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है, ये हार करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नजराना हो, हकराना हो, शुक्राना हो, जबराना हो, इन सब की दवाई एक ही है, इन सब की दवाई एक ही है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के जम नजराना वाला प्रकार हो, शुक्राना वाला प्रकार हो, हकराना वाला प्रचार हो प्रकार हो, या जबराना वाला प्रकार हो, इन सब की मुक्ति का एक ही उपाय है, हराना। शुक्राना भी जाएगा हराना से, जबराना भी जाएगा हराना से। और इसलिए अब तक उनके पास चार प्रकार थे, अब एक प्रकार आपके पास है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, और वो प्रकार है हराना, सपा बसपा कांग्रेस को हराना। भाइयों बहनों, अगर हमारे देश में ये हमारी विंध्याचल की भूमि काशी के पास है, ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहां पैदा हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां एक ऐसी सरकार है जिसे न टूरिज्म की चिंता है, न विकास की चिंता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म तो ऐसा उद्योग है, ऐसा सरल उद्योग है कि आप कम से कम पैसों से ज्यादा कमाई कर सकते हो, और चीजों में ज्यादा पूंजी लगती है, टूरिज्म में ज्यादा पूंजी नहीं लगती। अगर टूरिस्ट आने लग जाए तो फूल बेचने वाला भी कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला भी कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, अरे चाय वाला भी कमाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, काशी के पास इतना समृद्ध इलाका हो, यहां पर एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है, यहां पानी का धोध फोल देखने के लिए लोगों को आकर्षित करने की ताकत है, यहां के तीर्थ क्षेत्र का महात्म्य है, जो काशी आएगा उसका मन विंध्याचल आने का हो जाएगा, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों, विकास अगर इस सोच के साथ किया जाए तो हमारा ये इलाका मिर्जापुर भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का नक्शा जरा मन में विचार लीजिए, भारत का नक्शा सोचिए, हिंदुस्तान का नक्शा आप देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, ऊपर से नीचे तक चले जाइए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, वहां कोई न कोई विकास नजर आता है, आर्थिक गतिविधि नजर आती है। और हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका देखिए, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारा पश्चिम बंगाल, हमारा आसाम, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा उड़ीसा, लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए पश्चिम में जाना पड़ता है। यहां पानी विपुल मात्रा में है, यहां खनिज संपदा विपुल मात्रा में है, यहां मानव संपदा शक्तिशाली है, लेकिन सरकार सही नहीं होने के कारण ये सब कुछ तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है।
और इसलिए भाइयों बहनों मेरे मन में चित्र बड़ा साफ है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, भारत को आगे बढ़ाना है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पूर्वांचल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको बराबर पश्चिम की बराबरी में ला करके खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रगति होगी। और इसलिए भाइयों बहनों आपने देखा होगा हम गुजरात से गैस की पाइपलाइन गोरखपुर तक ला रहे हैं, करीब करीब 2700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, हजारों करोड़ रुपयों के खर्चे से, और गैस वहां से उठा करके पूर्वांचल में ले आएंगे ताकि गैस के आधार पर ऊर्जा की व्यवस्था हो, गैस के आधार पर उद्योग चले, हमारे यहां के नए कारखाने लगे, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले। भाइयों बहनों इतना ही नहीं, बड़े शहरों में घरों में जैसे नलके से पानी आता है ना, वैसे नलके से गैस आ जाए किचन में, ऐसी भी व्यवस्था करना चाहिए। हजारों करोड़ की लागत से काम चल रहा है भाइयों, और मैं बताता हूं ये हमारे प्रधानमंत्री काल में इसको पूरा करके दूंगा, ये 13 साल ताजमहल में खर्चा कर रहा है ऐसे नहीं करूंगा जी, वादे नहीं करता, काम करके दिखाता हूं भाई। जब हमारी सरकार बनी हमने कहा आजादी के 70 साल हो गए, क्या कारण है कि हमारी मां बहनों को सोच जाना हो सोच तो भी वो चिंतित होती है, या तो सुबह जल्दी उठ के अंधेरी रात में सोच के लिए घर से बाहर निकलती है, या तो रात को सूरज ढलने के बाद निकलती है और डर रहता है कहीं जंगल में जाते समय कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या हमारी मां बहनों के लिए, गरीब मां के लिए एक शौचालय नहीं होना चाहिए क्या? क्या हमारी मां बहनें आजादी के 70 साल के बाद सम्मान की जिंदगी ना जी सके? भाइयों बहनों लाल किले पर से बड़ी बड़ी बातें तो 50 साल से लोग सुनते आए, मैंने कहा मैं तो भाई मेरी मां बहनों गरीब मां बहनों के लिए शौचालय बनाना चाहता, लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में करोड़ों परिवारों में शौचालय बनाने का काम चला, शौचालय बने वालों को रोजगार मिला। भाइयों बहनों काम अगर तय करें तो समाज भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार होता है, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों आपने देखा होगा मैंने एक बार लाल किले से देश के वो लोग जिनका तनख्वाह अच्छा है, कमाई अच्छी है, घर में स्कूटर है मोटरसाइकिल है और सब्सिडी नहीं मिले तो चलेगा, ऐसे लोग हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को कहा, मैंने कहा आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, ये 250-300 रुपए की सब्सिडी की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए गरीब के काम आएंगे पैसे। भाइयों बहनों इतना सा मैंने कहा, इतना सा मेरे देश के 125 करोड़ परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। भाई जब सामान्य इंसान को ईमानदारी का एहसास होता है तो हिंदुस्तान का नागरिक सरकार से भी 10 कदम आगे जाने के लिए तैयार होता है, उसे एक बार ईमानदारी का एहसास होना चाहिए। और मुझे खुशी है 2.5 साल हो गए भाइयों बहनों इस सरकार की ईमानदारी के प्रति दिन ब दिन सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है, और उसके कारण देश का नागरिक भी
सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के चलने को तैयार है। और तब मैंने लाल किले से कहा था कि आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवार, 5 करोड़ गरीब माताएं जिनके घर में लकड़ी का चूल्हा जलता है, लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है। भाइयों बहनों, जब एक माँ लकड़ी के चूल्हे से आग लगा करके खाना पकाती है तो पूरा घर धुएं से भर जाता है और उस माँ के शरीर में दररोज प्रतिदिन 400 सिगरेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, अगर गरीब मां के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या हो? क्या इन मारी माताओं को ऐसे ही मरने देना? क्या क्या वो गरीब है, वो उसका गुनाह है? क्या क्या ये सुख सुविधा अमीरों के लिए है? क्या सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार ने गरीबों के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, गरीबों की बातें करने वाली सरकारें बहुत आगे गई हैं। ये सरकार है जो गरीबों के लिए है, और इसलिए है कि मुझे गरीबी देखने के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, गरीबी समझने के लिए मुझे किसी जिग्गी झोपड़ी में कैमरा लेकर के यात्रा नहीं करनी पड़ती। मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, गरीब मां की हाथों से खाना खाया है, इसलिए मुझे पता है गरीबी क्या होती है। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया, समय पे काम कैसे होता है? अब तक करीब करीब 1,80,00,000 परिवार, 3 साल में मैंने 5 करोड़ परिवार कहा है, अभी तो योजना को 11 महीने भी नहीं हुए हैं, 1,80,00,000 गरीब परिवारों के घर में सामने से जाकर के गैस का चूल्हा दे दिया, गैस का कनेक्शन दे दिया, मुफ्त में दे दिया। भाइयों बहनों, गरीब के लिए काम कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मेरे किसान भाई बहन, ये उत्तर प्रदेश, ये हमारा पूर्वांचल, यहां की धरा उपजाऊ धरा है, यहां का किसान मेहनत कश है, अच्छे से अच्छी पैदावार खेती में देने की ताकत इस मिट्टी में है। लेकिन भाइयों बहनों, किसी न किसी कारण से हमने हमारी धरती मां की परवाह नहीं की, हमने धरती माता पर जुल्म किया, अत्याचार किया, भांति भांति की दवाइयां डाल दी, भांति भांति के फर्टिलाइजर डाल दिए, भांति भांति के केमिकल डाल दिए, और धरती मां को जितना चूसना है चूसते ही रहे। हमारी धरती मां बर्बाद हो गई। भाइयों बहनों, हमने सपना देखा है 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, तब 22 आने तक हम हिंदुस्तान के किसानों की जो आय है, कमाई है, वो डबल करना चाहते हैं। भाइयों, डबल करना चाहते हैं, ये हमारा सपना। और इसलिए हमने एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से
कृषि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे पहले काम, और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पूरा बीज से लेकर के बाजार तक पूरा उसका खाका तैयार किया है, रोड मैप बनाया है। बीज से लेकर के बाजार तक किसान की पैदावार का क्या होगा, किसान की पैदावार कैसे बढ़ेगी, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कंधा मिला करके उससे साथ काम कर रही है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, थूक का टेस्ट करवाइए, पेशाब का टेस्ट करवाइए, रक्त का, लहू का टेस्ट करवाइए। सब रिपोर्ट आने के बाद वो कहता है ये बीमारी है, ये दवाई लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। जब तक टेस्ट नहीं होता है भाइयों बहनों, वो आजकल डॉक्टर दवाई नहीं देता है। जैसे शरीर का है वैसे ही ये हमारी धरती माता का भी है। जैसे शरीर के टेस्ट होते हैं वैसे धरती माता के, इस मिट्टी के भी लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला, हर किसान के खेत की मिट्टी का नमूना लेकर के उसका परीक्षण करना, उस खेत में कोई बीमारी है क्या, धरती माता में कोई कमी है क्या, किस फसल के लिए वो मिट्टी ज्यादा उपयोगी है, कौन सी दवाई चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये सारा रिपोर्ट उसमें आता है। फिर हम किसान को बताते हैं देखो भाई तुम आज तक तो ये फसल करते थे लेकिन अच्छा होगा तुम्हारी जमीन में इस फसल के लिए ज्यादा ताकत है, अगर तुम ये फसल करोगे तो तुम्हारी पैदावार बढ़ेगी। हम बीज अच्छा मिले, जमीन की हिफाजत, बीज अच्छा मिले, इसके लिए सरकार निगरानी रखती है। छोटे से छोटे गांव तक सर्टिफाइड बीज मिले इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है। पानी, किसान को पानी मिल जाए तो किसान मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है, यह ताकत होती है किसान में। नदियों में पानी है, बांध में पानी है, लेकिन खेत तक पानी पहुंचता नहीं है। हमने हजारों करोड़ रुपया लगा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेतों तक पानी पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया है। पानी भी ज्यादा उपयोग होता है तो फसल बर्बाद होती है, इसलिए पानी भी ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई, उस प्रकार से पानी लेने की किसान को आदत लगे, लाखों हेक्टर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के खेती करवाना, पानी बचाने का काम भी हो, जब फसल तैयार होती हो समय पर उसको यूरिया मिले। भाइयों बहनों, यूरिया का क्या हाल था, रात रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था फिर भी यूरिया नहीं मिलता था, काले बाजारी में यूरिया लाना पड़ता था, और कभी यूरिया लेने जाते थे ते उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस डंडे मारती थी। भाइयों, काले बाजार वाले काले बाजारी में यूरिया बेचते थे, 2 साल हो गए यूरिया की कतारें खत्म हो गई, काले बाजारी खत्म हो गई, किसान को जब चाहिए जितना चाहिए सरकारी दाम से सब्सिडी के साथ किसान को यूरिया मिलना चालू हो गया। भाइयों बहनों, पहली बार किसान के खाद में दाम कम करने का काम 30 साल के बाद पहली बार इस सरकार ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, हमने एक के बाद एक कदम उठाए, अब फसल हो जाए यूरिया भी मिल जाए, फिर भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर बुआई भी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया, प्राकृतिक आपदा आ गई, बुआई नहीं हुई तो भी बीमा मिलेगा, ऐसा बीमा लाए। और मानो 16 आनी पाक हो गया लेकिन अभी तक बाजार में पहुंचा नहीं है,
खेत खलिहान में पड़ा हुआ है, अचानक ओले गिर गए। और फिर भाइयों बहनों, बनी बनाई पकी पकाई फसल बर्बाद हो जाए, किसान कहाँ जाएगा। हम ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि अगर पाक तैयार होने के 15 दिन के भीतर भीतर अगर खलिहान में पाक पड़ा है और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आंधी आ गई, बारिश आ गई, ओले गिर गए, तो उसका भी बीमा मिल जाएगा। मेरे किसान को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, ये काम हमने किया। लेकिन भाइयों बहनों, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश है, आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, आपके पड़ोस में झारखंड है, उन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आधे से अधिक किसानों ले चुके हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में काम नहीं कारनामे वाली सरकार का हाल देखो, सिर्फ 14% किसानों ने ये फसल बीमा का फायदा उठाया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, अगर ऐसा ही करोगे तो किसान को कौन मदद करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भाइयों बहनों को बधाई देता हूं, मैं उत्तर प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बार एक अहम फैसला किया है, अहम फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान है, जिनका फसल का कर्ज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों, भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और आपके पड़ोस का ही सांसद हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व भव्य विजय होगा, भाजपा अपना दल सभी हमारे साथी दल मिलकर के भव्य विजय उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है। 13 मार्च को विजय की होली का उत्सव मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश रंग से रंग जाएगा। होली के बाद भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों की नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मैं आपको विश्वास देता हूं कि नई सरकार की पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज किसान बाजार में जाता है, दाम जितने मिलने चाहिए मिलते नहीं, सरकार जो समर्थन मूल्य तय करती है उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती नहीं है। हमने योजना बनाई ई नाम, ई मार्केट। अब किसान अपने मोबाइल पर हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में अपना माल बेच सकता है, जो चाहे वो दाम से बेच सकता है। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई किसान को तबाह नहीं कर सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है भाइयों, हम कृषि को इतनी ताकत देना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना कृषि में है, सबसे ज्यादा रोजगार की ताकत टेक्सटाइल में है, कालीन का उद्योग, हमारे बुनकर भाई बहन, हम उनको इतनी ताकत देना चाहते हैं, उनके उनके जो चीजें तैयार होती हैं उसके लिए ऐसा मार्केट खड़ा करना चाहते हैं कि मेरे बुनकर भाइयों को कभी किसी के पास अपना हाथ फैलाने की नौबत ना आए, ऐसी हम विकास की यात्रा को ले जाना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए,
अपना दल को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो काम ये 15 साल में नहीं कर पाए हैं, हम 15 महीने में करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, और काम हो सकता है भाइयों बहनों। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले बाजारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है भाई। आपने देखा होगा, अनाप शनाप दवाई के पैसे लेते थे, मैंने उन लोगों को बुलाकर कहा नहीं दूंगा, गरीब को लूटने नहीं दूंगा, दवाई का पैसा कम कीजिए। हार्ट में छल्ला लगवाना है 45,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। मैंने कहा अगर छल्ला लगवाना है तो 45,000 का छल्ला 7,000 में लगेगा, 1.5 लाख वाला छल्ला 25,000 में लगेगा, गरीब के काम आने वाली सरकार है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, सपा बसपा और कांग्रेस, एक कहे सुबह है तो दूसरा कहेगा शाम है, एक कहे पूरब है तो दूसरा कहेगा पश्चिम है, एक दूसरे के खिलाफ ही करते रहते कि नहीं करते रहते थे। सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे कि नहीं करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे कि नहीं करते थे। पहली बार एक मुद्दे पर तीनों इकट्ठे हो गए। किस बात पे मालूम है? नोटबंदी। 8 तारीख रात को 8 बजे मेरे प्यारे देशवासियों क्या कह दिया, ये तीनों इकट्ठे हो गए और चिल्ला रहे हैं, अरे 15 दिन दे देते मोदी। क्यों भाई, क्या ठीक करना था? क्या आप नोट छापने वाले थे क्या? वो बंडल ठिकाने लगाने थे, बंडल ठिकाने लगाए थे। आप बताइए भाइयों, 70 साल तक जिन्होंने लूटा है वो गरीबों को लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? पाई पाई उनको बैंकों में जमा करवानी पड़ी है, अब हिसाब देना पड़ रहा है, ये रुपये लाए थे कहां से, मारे थे किससे, किससे लूटा है बताओ, वापस देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काला धन, बेईमानी देश को तबाही का वही कारण है, और उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी है क्योंकि मैं देश के गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कुछ करना चाहता हूं, हिंदुस्तान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कुछ करना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार जाना चाहिए, काले धन की बीमारी जानी चाहिए, बेईमान लोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, अपना दल को विजय बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।